उनके खुद घर में महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनको भी कई बेटियां हैं, तो वो तो महिलाओं के साथ इस अपमान के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये आधी आबादी का घोर अपमान है। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के लिए आरजेडी के नेता को माफ़ी मांगनी चाहिए। बेटा के जन्म ले सोहर बधैया, बेटी के जन्म ले किया बाबूजी के लिए मुँह लटक जाता था। तो ये सब जो कुप्रथा था, आज देखिए ना, बेटी भी जन्म होती है तो गांव घर गरीब गुरबों में जाइए, हमार बेटी भेलन बड़ी खुश होता है सब। तो ये जो क्रांति हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, ये हमारे नेता हमेशा महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, और महिला सशक्तिकरण हमेशा हम पूरे बिहार की महिला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जितना भी आभार व्यक्त करें बहुत ही कम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसादों के बयान को लेकर हर तरफ हल्का मचा हुआ है, हर तरफ बवाल मचा हुआ है और सियासी गलियारों में काफ़ी गर्माहट बढ़ गई है। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर साफ साफ ये कहा सुबह में कि वह आँख सेकने जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है, नीतीश कुमार महिला संवाद में क्यों जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने इस पर खुलकर कहा है, लेकिन अब तमाम जितने महिला नेत्री हैं, बिहार सरकार की मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं लेशी सिंह और शीला मंडल, उन दोनों ने लालू प्रसादों को क्या जवाब दिया। नीतीश कुमार की मजबूत सिपाही हैं, दोनों ने लालू प्रसादों को क्या कुछ कहा है, माफ़ी मांगने को कहा है, आप सुनिए। कुमार महिलाओं के संवाद में जा रहे हैं आँख सेकने के लिए। देखिए, इस तरह के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस तरह के भाषा का कोई जगह नहीं है। ये महिलाओं का घोर अपमान है और आधी आबादी का जिस तरह से आरजेडी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के भाषा का कोई भी महिला समाज इस लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए ऐसी भाषा बोलने के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए महिलाओं से। उनको तो दर्द हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% महिलाओं को आरक्षण दे के हर प्रकार की नौकरी में आगे बढ़ा रहे हैं, आरक्षण दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर नगर निकाय में आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, उनके खुद घर में महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनको भी कई बेटियां हैं, तो वो तो महिलाओं के साथ इस अपमान के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आज सेविका की बेटी या बेटा नौकरी पा रही है तो इसलिए उनको दर्द हो रहा है। ये आधी आबादी का घोर अपमान है। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के लिए आरजेडी के नेता को माफ़ी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं महिलाओं के सामने आँख सेंकने, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, वो बता दे आपको कि जो भी कोई भी आदमी जब तक आप जिस घूमेंगे नहीं जनता में तो कैसे समझेंगे आप परिस्थितियों को। आज हम लोग विधायक हैं जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव घर-घर जाते हैं कि नहीं। जब तक आप किसी के पास नहीं जाइएगा तो समझ नहीं पाइएगा उसकी समस्याओं को। तो हमारे नेता यात्रा ये तो हमेशा से करते आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इन्होंने किया है। आज महिला सशक्तिकरण जो बिहार में सशक्त हुई है महिला, जो मौन क्रांति हुआ, वो नीतीश कुमार जी का ही तो देन है। सब लोग बात करते थे बड़ी बड़ी, लेकिन करते तो कोई नहीं थे ना। जमीन पर कौन करता था? कोई नहीं करता था। नीतीश कुमार जी ने किया है और उसकी बदौलत आज देख लीजिए, हम अति पिछड़ा समाज की बेटी, आपके भी माइक लगा के आप पूछ रहे हैं, हम बकबक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आप लोगों को ये बल नहीं मिलता? नहीं, सही बात है, नहीं मिलता। आप देख लीजिए कि आप जो पहले वैदिक युग में जाइएगा तो जो जो कुप्रथा था समाज का, कोढ़ बीमारी था, बेटी और बेटा में कितना भिन्नता था। हम लोग की तरफ एगो गीत गाता था लोग, बेटा के जन्म ले सोहर बधैया, बेटी के जन्म ले किया बाबूजी के लिए मुँह लटक जाता था। तो ये सब जो कुप्रथा था, आज देखिए ना, बेटी भी जन्म होती है तो गांव घर गरीब गुरबों में जाइए, हमार बेटी भेलन बड़ी खुश होता है सब। तो ये जो क्रांति हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण हुआ है। इसमें लगता है लालू जी को क्या ऐसी दिक्कत है? शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि आज पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण के जो आज पूरे बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो उन्होंने गरीब गुरबा को निचले पैदान पर बैठे हो, जो गरीब गुरबा के लिए बासी रोटी कोई देना चाहेगा, लेकिन शिक्षा कोई नहीं देता, बात करता है बड़ी बड़ी, लेकिन धन हो हमारे नेता का जिसने उसने शिक्षा की व्यवस्था करके आज सब का गरीब, पहले कितना परसेंट थी स्कूल से बच्चे बाहर थे, आज कितना हो गया, 0.5 मात्र बचा हुआ, आधा परसेंट भी नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हुआ लोगों को पच नहीं रहा है, अब पूरे बिहार की महिला उनको मानती है माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि स्वाभाविक है। कई लोग बात करते थे हमारे नेता ने काम करके, तो कहता क्यों नहीं मानेगा। लो
लालू जी ने कहा है पूरी तरह से सरासर गलत है, सरासर गलत है ना। देखिए ये सब हम नहीं कहेंगे क्या हुआ, आप सब की अपनी अपनी बात है, हम अपनी बात कहेंगे कि हमारे नेता, आपके नेता को लेकर कहे गए शब्द गलत है। देखिए हमारे नेता हमेशा महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, और महिला सशक्तिकरण हमेशा हम पूरे बिहार की महिला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जितना भी आभार व्यक्त करें बहुत ही कम। तो लेशे सिंह और शीला मंडल ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। लालू प्रसाद के बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, दोनों के बयान हमने आपको सुनवाए हैं। लालू प्रसाद के घर में भी बेटियां हैं, उनके घर में भी नेत्रियां हैं, उनको लेके क्या कहेंगे, माफ़ी मांगने की बात तक कह दी, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।